सर्वाइकल कैंसर, बच्चे दानी के मुंह का कैंसर, ये दोनों बीमारियां इस समय हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, मैं भारत की बात कर रही हूँ, भारत में सबसे ज्यादा फैली हुई है। और इसके लिए सिर्फ अगर आप जागरूक हो जाते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। और इसमें निःशुल्क जांच की जा रही है मरीजों की, और जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको जांच करके उनको जो 3 दिन की दवा भी दी जाएगी जो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते। और उसके लिए एक हेल्थ कार्ड भी बनाया गया है साधना हॉस्पिटल की ओर से, 50 रुपये का एक हेल्थ कार्ड आज इशू किया जाएगा। उस 50 रुपये में 1 महीने वो आके मरीज दिखा सकते हैं, और अगर जाँच उनको कोई बड़ी जाँच की जरूरत पड़ती है तो उसमें भी उनको 30% तक डिस्काउंट दिया जाएगा। साधारण हॉस्पिटल ने आज एक निःशुल्क कैंप लगाया है जो स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए है। तो ऐसे गरीब कर्मचारी जो पैसे के अभाव में और अपना इतना जागरूकता के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, तो उनको खुद चल के हम लोग आए हैं और उनका जांच करेंगे और उनको जो दवाएं भी दी जाएंगी। और उनके लिए एक हेल्थ कार्ड भी इशू किया गया है चेयरमैन साहब के अनुरोध पर, कि जिसमें कि 50 रुपये का हेल्थ कार्ड बनाया है, वो मरीज 50 रुपये लेके आएगा और एक बार में उसको जो दवा और जाँच की जरूरत उसमें कराई जाएगी। और अगर उसको महंगा कुछ इलाज अगर जरूरत पड़ती है, कोई बड़ी बीमारी निकलती है, तो उसमें भी उसको 30% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। इससे ऐसे मरीजों की बड़े अस्पतालों में पैसे के अभाव में नहीं जा सकते उनको आने की सुविधा होगी, और हम लोग को भी खुशी होगी कि ऐसे लोग का भी इलाज किया जा सकता है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका भी साधन है हॉस्पिटल। ये इसलिए डॉक्टर इंदिरा सिंह, डॉक्टर सुधीर काम करती है, ट्रस्ट है इनका जो वेलफेयर का काम करती है, उनके द्वारा शारदा हॉस्पिटल के द्वारा ये आयोजित किया गया है। और इसमें हमारे सफाई कर्मचारी को निःशुल्क परीक्षण का व्यवस्था की गई है, और बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो हमारे बहुत सी बीमारियां पाले हुए हैं, डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है, या बहुत सी बीमारियाँ हैं, वो क्या करते हैं डॉक्टर के पास ज़्यादा फीस होने की वजह से या ज़्यादा भीड़ होने की वजह से नहीं जाते हैं, और वो मेडिकल हालों से दवा लेकर के पेन किलर वगैरह खाते हैं। ऐसे लोगों को डॉक्टर साहब ने मना किया है कि आप पेन किलर बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, बगैर डॉक्टर की सलाह के कोई दवा ना खाएं। और यहाँ पे परीक्षण उन्होंने कहा कि 1 महीने तक हम दवा और ये निःशुल्क देखते रहेंगे, और इसके बाद फिर 1 महीने के बाद उनको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी सुविधा है, डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे सवा कर्मचारी स्वस्थ रहें ताकि हमारा शहर ग्रीन और क्लीन रहे। मैं इसी में हमारी खुशी है कि हमारे कर्मचारी स्वस्थ रहें। ठीक है।